हेलो एवरीवन, तो आज हम देखेंगे BPCS 183 इमोशनल इंटेलिजेंसी एंड इमोशनल कॉम्पिटेंसी, जो दो बुक है हमारी, मतलब BPCS 183 एंड 185 दोनों बुक हमारी सिमिलर है। बस जो यूनिट मतलब जो BPCS 183 बुक है उसमें हमारे दो यूनिट्स ऐसी हैं जो डिफरेंट है, बाकी हमारे सारे यूनिट्स सेम है। तो जो डिफरेंट यूनिट्स है वो आज हम कवर कर लेंगे, ये लास्ट यूनिट है। उसके बाद हमारी ये वाली बुक भी कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 4 आज हम करने वाले मॉडल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी एंड असेसमेंट। तो सबसे पहले इसमें हमारे टॉपिक्स रहेंगे 5, जिसमें फर्स्ट आपका इंट्रो, फिर एबिलिटी मॉडल, फिर ट्रेट मॉडल और फिर जेनस मॉडल, फिर मिस्ट मॉडल। आज हम ये सारे मॉडल्स हम इमोशनल इंटेलिजेंसी के देखेंगे, और इंट्रो में ऐसा कुछ नहीं था तो इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं एबिलिटी मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी। अब एबिलिटी मॉडल में हमारे 4 ब्रांचेस आते हैं जो कि हमारे इमोशनल इंटेलिजेंसी के ऊपर उन्होंने बनाए हैं। तो मतलब देखो, इमोशनल इंटेलिजेंसी ना, सबसे पहले तो ये तो पता होगा कि इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंसी मींस कि आप कितना अपने इमोशंस को लेके अवेयर रहते हो, उसको रेगुलेट करते हो, उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना। एंड साथ के साथ ये नहीं है कि सिर्फ आप अपने इमोशंस को लेके अंडरस्टैंड कर रहे हो, साथ के साथ ये है कि आप दूसरों के इमोशंस को भी कितना समझते हो, उसको कितनी सिंपैथी देते हो, और उसको इमोशंस को लेके आप उसकी सिचुएशन को लेके आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हो, वो सारी चीज़ें डिपेंड होती है। तो वो इमोशनल इंटेलिजेंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपकी लाइफ में, अगर आप खुश रहना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो। तो इसमें क्या है कि रिसर्चर्स ने 2 थ्योरीज देखी हैं, मतलब इसमें थ्योरीज में 2 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी देखी है, एक हॉट एंड कोल्ड। हॉट इंटेलिजेंसी मतलब आपकी पर्सनल, क्योंकि उसमें क्या है ना कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोसेसिंग होती रहती है, जैसे कि आप कितना सोशल एक्सेप्टेशन हो, आइडेंटिटी है, आप कितना इमोशनल वेलबींग हो, तो वो सारा डिपेंड हो जाता है। ये सारा मतलब हमारा पर्सनली जाके आता है। कूल इंटेलिजेंसी हमारा वो होता है जिसमें हम नॉलेज लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल नहीं, साथ ही साथ जैसे हमारी वर्बल प्रोपोर्शनल इंटेलिजेंसी हो गई, मैथ्स एबिलिटी हो गई, विजुअल स्पीचुअल इंटेलिजेंसी होगी। मतलब ये है कि आपका कूल इंटेलिजेंसी में वो आ जाती है कि जिसमें आपका सिर्फ वो आपके जो सोशल एक्सेप्टेशंस है, या फिर आप कितना वेलबींग हो, कितने खुश हो, सिर्फ ये नहीं, आपके न्यूमेरिकल्स हो गए, मैथ्स एबिलिटी हो गई, आपकी कितना इमेजिनेशन वाली हो गई, ये सारी इंटेलिजेंसी आपकी इसमें आ जाती है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू मॉडल के हिसाब से अगर हम देखें तो पहला आता है प्रोसेस इंफॉर्मेशन ऑफ एन इमोशनल नेचर, एंड सेकंड आता है रिलेट इमोशनल प्रोसेसिंग टू अ वाइडर कॉम्बिनेशन। अब इसमें अगर हम, जैसे कि हमने बताया था, इसमें हमारे 4 मॉडल्स, लाइक इसमें 4 पॉइंट्स ऐसे बताए हैं इस मॉडल में जो कि इसको एनहेंस, मतलब जिसमें इसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है इस मॉडल में, जो कि आपका है पहला इमोशनल परसेप्शन, फिर इमोशनल फैसिलिटेशन एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड इमोशनल मैनेजमेंट। अब इमोशनल परसेप्शन में क्या है ना कि वो ये रेफर करता है कि आप किसी भी मतलब किसी के फेस एंड पिक्चर्स को लेके आप उसकी इमोशंस को आइडेंटिफाई करने की आपके अंदर कितनी एबिलिटी है। मतलब आपके अगर कोई फेस एक्सप्रेशंस दिखा रहा है या बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा है, तो उसको आप अपने इमोशंस को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो। मतलब ओवरऑल ये है कि हमारी हेल्प करता है कि एक इंडिविजुअल अपने इमोशंस को लेके किस तरीके से प्रिसीव करता है, एक्सप्रेस करता है खुद को दिखाने की। मतलब जैसे होता है ना कि हम काफ़ी बार हम खुद को बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये वाले सिचुएशंस पे हमारे ऐसे इमोशंस आ रहे हैं, मतलब मैं खुश हूँ या फिर सैड हूँ, और दूसरों को भी किस तरीके से हम दिखा रहे हैं, वो आता है इमोशनल परसेप्शन में, कि आप किस तरीके से प्रिसीव करते हो और दिखाने की कोशिश करते हो दूसरों को। फिर आता है इमोशनल फैसिलिटेशन में, क्या है ना कि आप किस तरीके से मतलब अपनी इमोशंस
को इंफॉर्मेशंस दे रहे हो, मतलब उसको इंफॉर्मेशन किस तरीके से एनहेंस कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, किस तरीके से प्रायोरिटी दे रहे हो कि हाँ ये इस टाइम पे मेरे को इस इमोशंस की प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे कि आप किसी से प्यार करते हो तो उस टाइम पे आपको अपने प्यार की जो आपकी फीलिंग्स है उसको आपको प्रायोरिटी देनी है कि हाँ इस टाइम पे अभी मेरी प्रायोरिटी है मेरे को अपने पार्टनर की केयर करनी है या वो करना है, तो वो आप किस तरीके से करते हो और उसको एडजस्ट करना, डिसीजंस लेना, ये सारे हमारे इसमें आते हैं। ठीक है, फिर इमोशनल मैनेजमेंट में तो हमें पता ही है कि हमारे क्या होता है ना कि हम किस तरीके से अपनी पर्सनल एंड इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस को किस तरीके से मैनेज करते हैं, हमारे अंदर वो एबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर एबिलिटी होती है तो ये हमारे बहुत हेल्प करता है पर्सनली भी एंड ये इंटरपर्सनल इफेक्टिवनेस में भी, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में भी। और लास्ट हमारा एक और बचता था इमोशनल इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, वो पॉइंट मैं इसमें मिस कर गई हूँ एक्सप्लेन करने में, बट मैं बता देती हूँ। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग वो कि आप अपने इमोशंस को लेके कितना अंडरस्टैंड कर पाते हो, आप अपने भी दूसरों को भी इमोशंस को लेके कितना अंडरस्टैंड करते हो, मतलब समझने की कोशिश करते हो, क्योंकि इमोशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक तो आप अपने इमोशंस को नहीं समझोगे तब तक आप कोई भी लाइफ में कैसे भी किस तरीके की भी प्रॉब्लम हो और वो कभी भी रिसॉल्व नहीं कर पाओगे और ना ही कभी ना खुश रह पाओगे। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जो भी इमोशंस होते हैं उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप वो कर लेते हो तो फिर आप मतलब बहुत इजली होता है आपको सिचुएशन को हैंडल करना, दूसरे के इमोशंस को भी हैंडल करना और उनको किस तरीके से संभालना है, वो सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली आने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद हम असेसमेंट टूल्स देखेंगे इसमें। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये सेल्फ रिपोर्ट मेज़र की जाती है कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से उसके परसेप्शंस आते हैं, उसकी स्किल्स किस तरीके से होती हैं, मतलब कैसे, मतलब किस तरीके से वो परसीव करता है। और इसके चार ब्रांचेस थे जो हमने अभी बात किए हैं, तो वो उन सब चीज़ों के ऊपर है ना मेज़र किया जाता है, उनकी मेंटल एबिलिटीज़ को चेक किया जाता है, टेस्टिंग किया जाता है सिचुएशन के बेसिस पे। और वो सारे हमारे वही हैं जो कि ये जो सब स्किल्स हैं वो बनाए गए थे मेयर सेलोवरी एंड कॉर्सन इमोशनल इंटेलिजेंसी टेस्ट, ये इस नाम से बनाया गया है, जिसमें हमारे अपनी चार जो ब्रांचेस थे जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा था वो ही सारे आते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रेट मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी। अब ट्रेट मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी में क्या है ना, ये वो है कि जो सिर्फ और सिर्फ रियल इंटेलिजेंसी के ऊपर नहीं है, बल्कि इसमें हमारे सारे जो जो कि हमें पता है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं ना वो ना सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमोशंस अगर हमारे सब्जेक्टिव है तो इमोशनल इंटेलिजेंसी भी क्वाइट सिंपल ही है कि वो किस तरीके से एक व्यक्ति अपने इमोशंस को इमोशंस के साथ इमोशंस किस तरीके से प्रिसीव करता है, उसको उसके ऊपर काम करने के लिए उसकी एबिलिटी कैसी होती है, मतलब ओवरऑल यही होता है कि आप अपने इमोशंस को लेके किस तरीके से रहते हो, मतलब उसको समझने की आपके अंदर वो एबिलिटी है या नहीं है, वो क्षमता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आप अपने इमोशंस को लेके। क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे मेन कॉन्सेप्ट यही होता है कि आप अपने इमोशंस को लेके इंटेलिजेंट हो या नहीं हो। जैसे हम अगर हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो वो आपके माइंड से रिलेटेड हो जाता है, यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपके इमोशंस, आप किस जो भी आपके इमोशंस आते हैं उसको लेके आप कितना इंटेलिजेंस होते हो, आप दूसरों के इमोशंस को कितना समझते हो, उनको जो काफ़ी ऐसे होते हैं कि दूसरे अगर रो रहे तो आप खुश हो रहे हो क्योंकि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो उस सिचुएशन में हमें उसको हैंडल करना चाहिए, उसको कम डाउन करना चाहिए कि वो नॉर्मल हो जाए, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो हम उसकी हेल्प करें, तो वो इमोशनल इंटेलिजेंसी होता है। तो वही कॉन्सेप्ट आपको हर एक मॉडल में मिलेगा सेम तरीके से, बट वही है कि सब ने अपने अपने तरीके से अलग अलग मॉडल्स दिए हैं, तो सब अपने अपने तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में यूज़ करके बता देंगे, बट सेम कॉन्सेप्ट वही है, पूरी बुक
पूरे चैप्टर में, पूरी चैप्टर में क्या, पूरी बुक में आपको ना सेम चीज़ आपको बोले, बट वही है कि लैंग्वेज वर्ड्स तरीके अलग अलग हो गए, बट जो मीनिंग है वही आपका सेम चलता आ रहा है। ट्रेट मॉडल्स ऑफ एआई में फोकस किया जाता है कि आपकी पर्सनालिटी ट्रेट कैसी है, वो जो कि हेल्प करती है आपके इमोशंस को प्रिसीव करने में और रेगुलेट करने में। और अगर हम इसका असेसमेंट टूल की बात करें तो वो ये है कि इसमें आपका क्वेश्चनरिंग होता है जो कि डेवलप करता है प्रेटेस को एंड एसोसिएट की, चूँकि इसमें लेटेस्ट वर्जन हम अगर बात करें तो फुल फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट कंपैरिजन 153 आइटम्स होते हैं प्रोवाइड किया जाता है, 15 स्कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, 15 फैक्टर्स पे 4 फैक्टर्स होते हैं जो हमने पीछे उसमें बात किए थे, और इसमें 15 फैक्ट्स होते हैं और हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स होती है। और इसमें जो हम जो क्वेश्चनिंग करने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो हमारे 15 लैंग्वेजेस इसमें इंक्लूड होते हैं जो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला मोड आता है जेनस मॉडल। अब जेनस मॉडल रिफ्लेक्ट करता है हमारे एआई कॉम्पिटेंसी को। ठीक है, सबसे पहला इसमें मतलब ये हमारा प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव दोनों तो राइज करता है। सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस। अब इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस मतलब ये कि क्या एक बंदा अगर कुछ फील कर रहा है, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आई है जिसमें उसको रोना आ रहा है या फिर वो खुश है, तो वो जो खुश है, जो आपके अंदर से खुशी आ रही है, जो वो हैप्पीनेस वाला जो इमोशंस है, वो आपका जो बाहर आ रहा है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, उस फीलिंग्स को मतलब उसका इम्पैक्ट आप किस तरीके से ले रहे हो, मीन्स आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हो वो कैसे, अगर आपका इमोशंस काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें ना अपने इमोशंस में बह के डिसीजंस ले लेते हैं, तो वो डिसीजंस काफ़ी बार गलत होते हैं। तो वही चीज़ है कि इमोशंस को लेके आप कितना अवेयर हो, क्योंकि इमोशंस का इम्पैक्ट हमारे डिसीजंस, हमारे बिहेवियर एंड हमारी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, इमोशनल अवेयरनेस ऑफ अदर्स। अब यहाँ पे पहले तो खुद के बारे में था, अब ये दूसरों के बारे में है कि आप जब प्रिसीव करते हो या अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हो दूसरों के, तो किस तरीके से आप दूसरों के इमोशंस को लेके आप समझने की कोशिश करते हो, उनको सिचुएशन को हैंडल करने में किस तरीके से आप उसको करते हो, किस तरीके से संपत्ति देते हो, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप उस चीज़ को लेके अवेयरनेस हो या नहीं ही हो, आप जैसे मैंने अभी बताया था कि सामने कोई रो रहा है और आप हंस रहे हो, तो आपको मतलब दूसरों के इमोशंस की जो अवेयरनेस होती है वो कोई है ही नहीं, क्योंकि जब सामने वाला रो रहा है तो एटलीस्ट हमें उसके जाके कंसर्न करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, अगर हम उसकी हेल्प कर सकते हैं तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो वो बात हो जाती है। ठीक है, फिर आता है ऑथेंटिसिटी, जिसमें हमें हमेशा ओपनली होनेस्टी ये सब हम रहते हैं। इमोशनल रीजनिंग, जिसमें हम कोई भी डिसीजंस लेना हो तो वो हम कंसिडर करते हैं खुद से भी और दूसरों से भी। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट वही है कि मैनेजिंग वन ऑन इमोशंस मूड्स ये सारे हम देखते हैं, वो भी टाइम पे, और साथ में चूँकि अगर हमारा कंट्रोल हो जाता है अपने मूड्स और इमोशंस पे, तो हमारा बिहेवियर भी जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस वो होता है कि आप अगर आप पॉजिटिव रहते तो हर एक चीज़ आपके लिए पॉजिटिव रहेगी, आप वर्क पॉजिटिव करो, अगर नेगेटिविटी भी थोड़ी सी भी आ जाती है तो वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। तो जब आपकी पॉजिटिव आप रहते हो ना, तो एक है ना काम करने में भी आपको ना मज़ा आता है, एक एनवायरनमेंट अगर पॉजिटिव रहता है तो वहाँ पे वर्क करने में मज़ा आता है, हमेशा पॉजिटिविटी रहती है, खुश भी रहोगे और हेल्दी वर्क भी रहेगा और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह कुछ भी नहीं रहेंगे। ठीक है, फिर अगर हम असेसमेंट टूल की बात करें इसमें, तो ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया था वर्क प्लेस के लिए, जहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम्स को देख सके, उनके इंटेलिजेंसी को टेस्ट कर सके, उनका सिलेक्शन कर सके, उनको आइडेंटिफाई कर सके कि उनके अंदर क्या पोटेंशियल है,
कितनी कैपेसिटी है उनके अंदर, ये सारे टूल्स बेस्ड होते हैं हमारे असेसमेंट, वो भी 70 आइटम्स के साथ, जो कि सोर्स रेटिंग हमारे इमोशनल इंटेलिजेंट वर्क प्लेस पे होते हैं, जो कि वो जिस तरीके से बिहेव करते हैं, रिपोर्टर्स जो होते हैं वो कैसे उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, एंड वो ऑब्जर्व करते हैं हर एक पर्सन को फ्रिक्वेंटली। चूँकि ये जो टूल है ये अवेलेबल होता है खुद के लिए, 180 डिग्री का एंड 260 डिग्री फॉर्मेट्स होते हैं सूटेबल। इसमें ये है कि इसमें 70 या 75 तक के बीच के जो एजेस के हैं उनके लिए ये जो टेस्ट है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं 10 मिनट्स में, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट मॉडल आता है मिस्ड मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। मिस्ड मॉडल या क्या है कि ये हमारी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंस्ट्रक्ट करता है, कंबाइन करने की कोशिश करता है। इस मॉडल में हमारा एबिलिटी स्किल्स एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स को एक्सप्लेन किया गया है एंड मेजर किया गया है इमोशनल इंटेलिजेंस के बेसिस पे। तो इसमें इसके अंदर हमारे दो मॉडल्स आते हैं, बारोन मॉडल ऑफ EI और गोलीमैन परफॉर्मेंस मॉडल। बारोन मॉडल ऑफ EI में क्या है कि ये हमारे नॉन कॉग्निटिव एबिलिटीज़, कॉम्पिटेंसी एंड स्किल्स ये हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम किस तरीके से, किस प्रेशर में, किस एनवायरमेंटल के डिमांड्स में, प्रेशर में उनके साथ हम काम करने की कोशिश करते हैं, हैंडल करने की कोशिश करते हैं। वो सारी चीज़ें, उन स्किल्स, वो एबिलिटीज़ हमारे अंदर होती है कि हम किस तरीके से जो बाहर का बर्डन होता है काम का, और कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, प्रेशर होता है, उनको हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, ठीक है। चूँकि वो सारा हैंडल करने की किस चीज़ के ऊपर बेसिस होते हैं, कैसे हमें उनको हैंडल कर लेते हैं, वो हमारे अंदर कैपेसिटी होती है, हमारे अंदर स्किल होती है, हमारे अंदर एबिलिटी होती है, वो क्षमता होती है कि हम वो सारी सिचुएशंस को हैंडल करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो जो एबिलिटीज़ होती है वो कौन कौन सी होती है, अवेयरनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ वन सेल्फ। जब हमें पता है कि समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, जब हम पता है कि हम ये चीज़ समझ जाते हैं और हम कोई भी जो भी खुद से रिलेटेड जो भी हमें बोलना होता है वो हम बोल देते हैं, जो भी अदर्स लोगों के लिए जो रिलेटेड कुछ समझने की कोशिश होती है, जैसे कि हम शुरू में तो किसी को हम जान नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम उनके साथ रह के काम करते हैं तो हम उनके हर एक चीज़ को ना नोटिस करके और समझ जाते हैं। एटलीस्ट हम 1 month में तो एक इंसान को अच्छे से जान जाते हैं, थोड़ा बहुत, मतलब उसके पूरे ओवरऑल नेचर को नहीं जान पाते हैं, उसके पूरे कैरेक्टर को नहीं जज कर सकते हैं, बस ये है कि एटलीस्ट हम उसको ये चेक कर लेते हैं कि उसके बोलने का, चलने का एंड उसके एक्सप्रेशंस का क्या तरीका है बोलने का, ठीक है। और हम थर्ड ही आता है डीलिंग विद स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड कंट्रोल इन वन इम्पल्सिव। हम बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग तरीके से डील कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ चेंज करना हो, सॉल्व करना हो प्रॉब्लम को, या फिर सोशल नेचर हो, तो ये सारी चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये एबिलिटीज़ होती है एक इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ मेजर्स एरियाज़ है, स्किल्स है जो कि इस मॉडल के अंदर आते हैं। पहला इंट्रापर्सनल स्किल, जिसमें हमारा इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, असर्टिवनेस, सेल्फ रिगार्ड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस, ये हमारे इंट्रापर्सनल में आते हैं जो कि आपके खुद के होते हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल में जो आप बाहर, जो आपके साथ रिलेशनशिप हो गए, जैसे आपका हस्बैंड वाइफ का, GF BF का हो गया रिलेशनशिप्स, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, जो कि आपकी वो होती है ना, जो आपकी मतलब ड्यूटी की हो गई या फिर काम करने वाली हो गई, वो सारी एम्पैथी हो गई। फिर आता है अडेबिलिटी स्किल, जिसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, रियलिटी टेस्टिंग हो गई, फ्लेक्सिबिलिटीज़ हो गई, ठीक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स में आपका स्ट्रेस किस तरीके से आप टॉलरेट कर लेते हो, इम्पल्सिव कंट्रोल आप कितना कर लेते हो, वो मैनेजमेंट स्किल इसमें किया जाता है। फिर जनरल मूड में हैप्पीनेस एंड ऑप्टिमिज्म हो गया, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट इसमें मॉडल, परफॉर्मेंस मॉडल ऑफ EI। ये जो मॉडल है ये दोबारा से इसको रिस्ट्रक्चर किया गया था, वो भी मैट्रिक्स फॉर्मेट में, जो कि हमारे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला सेल्फ अवेयरनेस, मींस आप कितना मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंट हो,
कितना अपने बारे में पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स जानते हो वो सारे हो गए। सेल्फ मैनेजमेंट वही है कि आप कितना अपने आप को कंट्रोल कर मतलब मैनेज कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो, किस इमोशंस को प्रिसीव कर सकते हो। सोशल अवेयरनेस मीन्स आप बाहर के सिचुएशंस को लेके कितना अवेयरनेस मतलब कितने इमोशन दूसरों के इमोशंस को लेकर कितना अवेयर होते हो, उनके इमोशंस को आप हैंडल कर सकते हो नहीं कर सकते हो, वो कैपेसिटी आपके अंदर है या नहीं है, वो बेस्ड होते हैं हमारे सोशल अवेयरनेस पे। और रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ये होता है कि आप जो आपके साथ जो रिलेशनशिप में है अब क्या आप उनके बीच में आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, या फिर आप दोनों के बीच में जो एक कम्युनिकेशन का वो होता है वो है या नहीं है, आप दोनों के इमोशंस को लेके आप कितना समझते हो कि इसका मूड स्विंग्स इसके मूड्स ख़राब है तो आप इसके मूड्स को कैसे समझ सकते हो, या खुद आप उसके मूड्स को देख के खुद को आप ख़राब करके बैठ जाते हो, वो चीज़ तो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो सारी अवेयर है ये है कि रिकॉग्निशन अवेयरनेस एंड रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट, जो ये इमोशंस है ये दो की इमोशनल इंटेलिजेंसी एबिलिटीज़ होते हैं, मतलब ये दोनों हमारे इमोशनल इंटेलिजेंसी एबिलिटी की की है, मतलब चाबी है जिसमें हमारी कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि ऑल हमारी इम्पोर्टेंस है सारे कॉम्पिटेंस और स्किल, बस ये है कि ये सारी प्रोसीड होती रहती हैं, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना ये क्या है ना कि अगर आप ये सारे पॉइंट्स है ना हमारी लाइफ को है ना जीने के लिए ना एक ना बहुत सही तरीका है अगर आप खुश रहना चाहते हो। सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि अगर आप खुद के बारे में जान जाओ, जैसे कि आप किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो तो वो चीज़ अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, जैसे सेल्फ़ अवेयरनेस की बात करें तो अगर आप वो चीज़ अपनी खुद से एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर सामने वाला या फिर एनी वन पर्सन कोई भी होता है तो वो अगर आपके बारे में उस चीज़ के बारे में बोले तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ मेरे अंदर कमी है। तो इसके दूसरे वे में मेरे पास एक पॉजिटिव चीज़ भी है जो किसी के पास नहीं है, क्योंकि हिडन टैलेंट सबके पास होता है, बस उसको पहचानने में कभी जल्दी हो जाती है कभी देरी हो जाती है, बट होता है। और आप अपने सबसे मेन होता है कि आप खुद को एक्सेप्ट कर लो जैसे भी हो, और दूसरों को भी उतना ही रिस्पेक्ट करो जितने आप खुद के इमोशंस को करते हो, तो उतना ही रिस्पेक्ट आप दूसरों के इमोशंस को भी करो, तब जाके आपका जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट का है तो वो भी बहुत ज़्यादा बेटर होता है। अगर आप दूसरों के इमोशंस को भी रिस्पेक्ट करोगे ना तो सामने वाला भी आपके इमोशंस को लेके रिस्पेक्ट करेगा, अगर आप नहीं करोगे तो सामने वाला खुद नहीं करेगा, क्योंकि वो कहते हैं जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा, तो वो चीज़ भी होती है। ठीक है, तो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं इस यूनिट को। तो अगर आपको कोई भी डाउट या कुछ क्वेरी रहती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप क्वेरी ग्रुप में हमें मैसेज कर देना, फिर हम खुद आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। एंड चूँकि हम नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोड नहीं करेंगे, हम आपको पर्सनली आपको बता देंगे क्योंकि उसका क्या प्रोसेस रहेगा। एंड अगर आपको किसी और चीज़ की हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर क्वेरी ग्रुप में जाके मैसेज कर सकते हैं। ओके, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक गाइज़।